नितिन थोड़ा पीछे, अरे कैमरा पीछे करो सिद्धार्थ तिवारी, सर सर भाई साहब, नहीं भाई नहीं भाई पीछे हटो, नहीं भाई और भी लोग खड़े हैं, तू तो ले लेंगे। अरे नितिन भैया, नितिन खत्म हो जाएगा जब हो गए क्या भाई, थोड़ा सा छुट्टी कर लो यार। और आयोग के भी आप अध्यक्ष रहे, एससी आयोग के, उसके बाद कई प्रकार की जिम्मेदारियों पर कांग्रेस के बड़े और दलित समाज का क्षेत्र के, तो बिंद और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहाँ पर बनाए, तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। फुंदर जी, हम सब मिलकर के, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, फुंदर जी, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में, और हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करने में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। मैं पुनः आप सबका, दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ। और सिद्धार्थ जी, आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस अवसर पर बधाई हमारे दोनों नेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। एक मिनट रुक जाओ, हमारे प्रदेश के युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनके पीछे एक बड़ी राजनीतिक विरासत है, युवा है, एनर्जेटिक है, काम करने का की तड़फ उनके दिल में है, और उनके साथ साथ अनुभव की भट्टी में पके हमारे बुंदेलखंड के नेता सुंदर सिंह चौधरी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में उनकी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम दोनों अपने नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। सभी मीडिया के साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, मेरे पूज्य बाबा जी ने 1972 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसका एकमात्र कारण था कि 1971 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी। आज कोई भी देशभक्त युवा इस बात को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त कर रहा है, चाहे वो सैन्य में हो, वाणिज्य में हो, आज सब जगह विश्व में हमारी स्थिति बोलती है। और मैं मोदी जी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 की हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है उससे, और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है,
इन सब से प्रभावित होके आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सुंदर जी दो मिनट, सुंदर जी आप भी जरा रुको रुको। परम सम्मानीय हमारे प्रदेश सम्मानीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, सम्मानीय सिद्धार्थ भैया, सम्मानीय सभी मीडिया भाइयों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप कहेंगे क्यों आया, मैं टिकट की लालच से नहीं, मैं भाई साहब से प्रभावित होकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर के और इनके काम काज से प्रभावित होकर के, और जहां मैं था हमारी जब बात ही नहीं सुनी जाएगी। हम दलित परिवार से आते हैं, हम लोगों ने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया है। जो लोगों को हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, 15-20 साल से हम किसी पोस्ट पे नहीं है, फिर भी इनके कहने पर रात दिन काम कर रहे हैं, फोन लगाते कोई फोन सुनने वाला नहीं है, तो हम कैसे रहे कांग्रेस में जब वहाँ कोई काम भी नहीं बताता, ना कोई कुछ काम है वहाँ। तो अब मैं ये कह नहीं सकता आप लोगों के सामने कि कैसे टिकट बांटे जाते, क्या होता है, सर्वे में आप पता कर लीजिए। मेरा पहला नाम क्यों नहीं टिकट मिला, मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। इससे प्रभावित होकर उनकी नीतियों के खिलाफ, भाई साहब से प्रभावित होकर के, बीजेपी से नीति रीति से प्रभावित होकर के, बिना किसी या मेरे को कोई पद चाहिए, मैं काम करूंगा, पहले बीजेपी को वोटिंग कराऊंगा, इसके बाद मैं भाई साहब से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सम्मान में, हमारी आत्मसान में, हमारे लोगों के सभी के उसमें तो कमी नहीं आना चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए नहीं। जब हम काम करेंगे तो आप अपने भी, हमारे पन्ना जिले के अध्यक्ष महोदय भी आए हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे गौतम जी हैं, उनको, हमारे गरज जी, सभी मेरे साथी हैं, भैया सिद्धार्थ जी, मैं भी आपके बब्बा जी के साथ काम कर चुका हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपके परिवार में हृदय से सम्मिलित हूँ। धन्यवाद मित्रों। कांग्रेस में काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी, तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया, अब कांग्रेस का बंटा ढार हो गया। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को